हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, बहुत बड़ी और रहस्यमय जगह है। ये एक विशालकाय सर्पिल आकाशगंगा है जिसमें अनगिनत तारे और ग्रह समाहित हैं। इसमें अरबों खरबों तारे, ग्रह, गैस और धूल के बादल हैं। ये सभी मिलकर एक अद्भुत और जटिल संरचना बनाते हैं जो हमें हमेशा आकर्षित करती है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छिपे हैं ब्रह्मांड के कुछ सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स न केवल अद्भुत हैं, बल्कि वे हमारे समझ से परे भी हैं। ये ऑब्जेक्ट्स बहुत अजीब और ताकतवर हैं। इनमें ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स शामिल हैं जो अपने आप में एक रहस्य हैं। ये समय और स्पेस को भी मोड़ सकते हैं। इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल होती है कि ये प्रकाश को भी मोड़ सकते हैं। ये तारों और ग्रहों को फाड़ सकते हैं। जब कोई तारा या ग्रह इनके पास आता है तो ये उसे अपनी ओर खींच लेते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। इस सफर में हम मिल्की वे के इन राक्षसों के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि ये कैसे बनते हैं और इनका हमारे ब्रह्मांड पर क्या प्रभाव पड़ता है। तैयार हो जाइए ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स और रोग प्लैनेट्स के बारे में जानने के लिए। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हमारे ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय और खतरनाक पहलू हैं। शुरू करते हैं अपनी खोज। इस यात्रा में हम ब्रह्मांड के इन रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे अस्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। ब्लैक होल्स अंतरिक्ष के सबसे बड़े वैक्यूम क्लीनर्स हैं। इनकी ग्रेविटी इतनी तेज होती है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इनसे बच नहीं सकता। जरा सोचो, एक ऐसी जगह जहां ग्रेविटी इतनी तेज हो कि सब कुछ अपने अंदर खींच ले, यही होता है एक ब्लैक होल में। ब्लैक होल्स दिखाई नहीं देते, हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि उनसे प्रकाश बाहर नहीं आता, लेकिन हम नियर बाय स्टार्स और गैस पर उनके प्रभाव से उनका पता लगा सकते हैं। ये अंतरिक्ष के राक्षस बनते कैसे हैं? ब्लैक होल्स का जन्म तब होता है जब बहुत बड़े तारे मर जाते हैं। जब एक तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो वह अपनी ही ग्रेविटी के नीचे दबने लगता है। इसी दबाव से बनता है एक ब्लैक होल। जितना बड़ा तारा उतना ही बड़ा ब्लैक होल। कुछ ब्लैक होल्स हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा बड़े होते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स भी मिल्की वे में पाए जाने वाले एक एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट हैं। ये बड़े तारों के बचे हुए हिस्से होते हैं जो फट चुके होते हैं। जरा सोचो, हमारे सूरज जितने बड़े मास को एक शहर जितनी बड़ी गेंद में दबा दिया जाए, न्यूट्रॉन स्टार का घनत्व इतना ही ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स एक तरह के जायंट एटॉमिक न्यूक्लिया होते हैं। ये लगभग पूरी तरह से न्यूट्रॉन से बने होते हैं, जो बिना किसी चार्ज वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सेक्शन 5, टाइनी बट माइटी न्यूट्रॉन स्टार्स। भले ही न्यूट्रॉन स्टार्स छोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये बहुत तेजी से घूमते हैं और रेडिएशन बीम्स छोड़ते हैं। ये बीम्स अंतरिक्ष में एक लाइटहाउस की तरह घूमते हैं। अगर ये बीम धरती की तरफ हो तो हमें ये एक पल्सिंग सिग्नल की तरह दिखाई देता है, इसलिए इन्हें पल्सर भी कहते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स में ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये फील्ड्स धरती के मैग्नेटिक फील्ड से ट्रिलियंस गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं। सेक्शन 6, वांडरिंग वर्ल्ड्स, रोग प्लैनेट्स। जरा सोचो, एक ग्रह अंतरिक्ष में भटक रहा है बिना किसी तारे के ऑर्बिट किए। ये होते हैं रोग प्लैनेट्स, जिन्हें ऑर्फन प्लैनेट्स भी कहते हैं। रोग प्लैनेट्स अंतरिक्ष के अकेले हैं। ये मिल्की वे में अकेले ही अंधेरे में भटकते रहते हैं। ये ग्रह डार्क, ठंडे और खोजने में बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मौजूद हैं और शायद तारों से भी ज्यादा तादाद में। सेक्शन 7, इजेक्टेड फ्रॉम होम, रोग प्लैनेट फॉर्मेशन। ग्रह रोग कैसे बनते हैं? वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे जैसे प्लैनेटरी सिस्टम्स में ही बनते हैं, लेकिन दूसरे ग्रहों के साथ ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस के कारण ये अपने सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। ये इजेक्टेड प्लैनेट्स फिर रोग प्लैनेट्स बन जाते हैं। रोग प्लैनेट्स एक रहस्य हैं। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, न ही ये पता है कि क्या उन पर जीवन संभव है। सेक्शन 8, द सर्च फॉर रोग प्लैनेट्स। रोग प्लैनेट्स को खोजना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये खुद का प्रकाश नहीं छोड़ते, इसलिए वैज्ञानिकों को इन्हें खोजने के लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। एक तरीका है बैकग्राउंड स्टार्स पर उनके ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स को देखना। इसे ग्रेविटेशनल माइक्रोलेंसिंग कहते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, हम ज्यादा से ज्यादा रोग प्लैनेट्स खोज रहे हैं। ये डिस्कवरीज हमें प्लैनेट फॉर्मेशन और हमारी आकाशगंगा के बारे में और भी ज्यादा जानने में मदद कर रही हैं।
Section 9. A universe of mysteries. Black holes, neutron stars और rogue planets. ये तो कुछ ही रहस्य हैं जो हमारी Milky Way galaxy में छिपे हैं. ये celestial bodies अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करते हैं, जो हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपे रहस्यों की झलक दिखाते हैं. ये हमें ब्रह्मांड की विशालता और उसकी ताकत की याद दिलाते हैं. Milky Way galaxy में छिपे ये रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है और हम इस अनंत ब्रह्मांड में कहां खड़े हैं. ये ऑब्जेक्ट्स भले ही डरावने लगे, लेकिन ये हमें अचंभित भी करते हैं. ब्लैक होल्स की अद्भुत शक्ति, न्यूट्रॉन स्टार्स की घनत्व और रोग प्लैनेट्स की अनिश्चित यात्रा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है. ये हमें फिजिक्स के बुनियादी नियमों और उन अद्भुत प्रक्रियाओं के बारे में सिखाते हैं जो हमारे ब्रह्मांड को आकार देती हैं. ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज ने हमें यह समझने में मदद की है कि कैसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को प्रभावित करते हैं. जैसे जैसे हम ब्रह्मांड को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, हमें और भी ज्यादा रहस्य और अजूबे देखने को मिलेंगे. हर नई खोज हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है. डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम उन अनगिनत रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो अभी भी हमारी समझ से परे हैं. एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट्स की मेहनत और डेडिकेशन हमें हर दिन नए नए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना के बारे में जानकारी देती है, जिससे हमारी नॉलेज और क्यूरियोसिटी दोनों ही बढ़ती है. सेक्शन 10, कंक्लूजन, द वंडर्स एंड टेरर्स ऑफ स्पेस. मिल्की वे में खूबसूरती और खतरा दोनों ही मौजूद हैं. यह आकाश गंगा जो हमारी पृथ्वी का घर है, अनगिनत रहस्यों और अद्भुत दृश्यों से भरी हुई है. यहाँ अरबों तारे हैं जो रात के आकाश को रोशन करते हैं और हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराते हैं. जहाँ अरबों तारे चमकते हैं, वहीं ब्लैक होल्स जैसे ऑब्जेक्ट्स अंधेरे में छिपे रहते हैं. ये ब्लैक होल्स जो अपने अंदर सब कुछ समा लेते हैं, हमें अंतरिक्ष की गहराई और उसकी रहस्यमयता का एहसास कराते हैं. ये अदृश्य राक्षस जो प्रकाश को भी निगल जाते हैं, हमें ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं. ये अंतरिक्ष के राक्षस, मरे हुए तारों के अवशेष और बेघर ग्रह, हमें ब्रह्मांड की ताकत का एहसास दिलाते हैं. मरे हुए तारों के अवशेष, जिन्हें हम न्यूट्रॉन स्टार्स या पल्सर्स के रूप में जानते हैं, अपने चारों ओर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं. ये बेघर ग्रह जो अपनी कक्षाओं से बाहर निकल चुके हैं, अंतरिक्ष में अकेले भटकते रहते हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारे सौरमंडल के बाहर भी जीवन हो सकता है. ये फिजिक्स की हमारी समझ को चुनौती देते हैं और हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करते हैं. वैज्ञानिक जो दिन रात इन रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते हैं, हमें नई नई खोजों से अवगत कराते हैं. अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में हो रहे नए नए आविष्कार और तकनीकी प्रगति हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करते हैं. तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें, तो इन छिपे हुए अजूबों के बारे में जरूर याद रखना. जब आप तारों की चमक को निहारें, तो सोचें कि उन तारों के पीछे कितने रहस्य छिपे हो सकते हैं. क्या वहां कोई और ग्रह है जहां जीवन हो सकता है? क्या वहां कोई और सभ्यता है जो हमारी तरह ही ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रही है? मिल्की वे सिर्फ तारों का समूह नहीं है, ये रहस्य और अजूबों से भरी एक अद्भुत जगह है. यह आकाश गंगा जो हमारे अस्तित्व का आधार है, हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है. तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखें, तो इस अद्भुत आकाश गंगा के बारे में सोचें और इसके अनगिनत रहस्यों को जानने की कोशिश करें.